आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तो स्वागत है आपका सिलसिला बाजारों में, और बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी की, कि जानते हैं एग्री कॉमोडिटी में कैसा रहेगा बाजार और क्या कुछ करके चलना चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है मैनेजिंग एडिटर मार्केट टाइम्स टीवी की रूपा मेहता जी। तो शुरुआत करते हैं कैस्टर सीड से। तो कैस्टर सीड 7,214 पर ट्रेड करता ये दिख रहा है और इसमें 8 रुपए की तेजी भी दिखी है। तो रूपा मेहता जी से हम जानते हैं कि इस पे आगे क्या कुछ करना चाहिए। तो रूपा जी, आपके अकॉर्डिंग बाजार कैसा रहेगा? देखिए, कैस्टर सीड में अभी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है और बाजार जो है अभी भी करेक्शन में ही दिखाई दे रहा है और लगातार ऊपरी स्तरों से जो दबाव आया है उस दबाव के बाद अभी लग रहा है कि मार्केट जो है वो प्रेशर में बना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी 7,000 तक का स्तर जो है वो कैस्टर में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट उसके नीचे भी मार्केट लुढ़क सकता है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर भी बिकवाली किया जा सकता है। 7,260 का स्टॉप लॉस लगाकर कैस्टर में बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो 7,160 से लेकर 7,140 तक नीचे लुढ़क सकता है जी। अगर रूपा जी कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो ये 2607 रुपए पे ट्रेड करता दिख रहा है और इसमें कम से कम 2 रुपए की तेजी भी आई है। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा कॉटन सीड का बाजार? कॉटन ऑयल सीड केक में देखिए, जो हमने टारगेट दिए थे वो सारे अचीव होते दिखाई दिए हैं। 2500 के आसपास का स्तर मैंने बोला था कि नीचे में डाउनसाइड जा सकता है और हमने इसको फिसलते हुए भी देखा। अब वहां से हल्की रिकवरी है। देखिए, इंट्राडे में मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2640-2660 तक जा सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कमजोर है। इंट्राडे में या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है और उसके चलते हो सकता है कि मार्केट में 2640-2660 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आज बाइंग देखने को मिल सकती है जी। और अगर इस ग्वार गम पे अगर नजर डालें तो ग्वार गम की बात करें तो ये 9,930 पर ट्रेड करता दिख रहा है और इसपे कम से कम 60 रुपए की तेजी भी आई है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ करके चला जा सकता है ग्वार गम में? ग्वार गम और ग्वार सीड की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंटैक्ट रह सकता है और ऊपरी स्तरों से लगातार मार्केट के अंदर गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि ग्वार गम 3% तक लुढ़क चुका है और सीड में भी 2% की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि 10,000 का जो टेक्निकली एक लेवल था वो भी ब्रीच हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ग्वार में बिकवाली में रहना चाहिए। अब गम भी टूट रहा है और सीड ऑलरेडी टूट चुका है, 5,000 के नीचे कभी भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है और गम भी 9,000 तक के स्तर दिखा सकता है जी। तो अगर हम मसाले की बात करें, मसालों पे नजर डालें तो धनिया की बात करें तो ये 11,200 पे ट्रेड करता दिखा है और इसमें कम से कम 120 रुपए की तेजी आई है। तो रूपा जी, धनिया में क्या कुछ करके चलना चाहिए? मसालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, धनिया में भी हल्की फुल्की आज खरीदारी है और 11,000 के ऊपर सस्टेन है। देखिए, सीमित दायरे में है मार्केट अभी फिलहाल, बहुत ज्यादा मूवमेंट मसालों में एक्सपेक्टेड नहीं है, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा हो। इसमें बाजार एक सीमित रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग है और पॉजिटिव बना रह सकता है मार्केट। लेकिन शॉर्ट टर्म रैली अभी 15 से 20 दिन तक मुझे लगता है कि बाजारों में गिरावट बनी रह सकती है और उसके मद्देनजर प्रेशर देखने को मिल सकता है। धनिया एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, धनिया में 10,800 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके बाइंग में रहा जा सकता है। और वहीं अगर बात करें जीरे की, तो जीरा थोड़ा सा करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार जो है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से गिर सकते हैं और जीरा मुझे लग रहा है कि 20,600 तक नीचे आ सकता है। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी नीचे में 7,680 तक की गिरावट फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये लेवल सभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिमांड जो है वो नहीं निकल रही है वेकेशंस की वजह से। और आगे चलकर जैसे जैसे वेकेशंस खत्म होंगे तो फिर एक बार फिर से मसालों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मसालों में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें या फिर थोड़ा बहुत बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। लंबा इसमें बिकवाली नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म में बिकवाली करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है?
देखिए सोयाबीन की अगर बात की जाए तो अभी सोयाबीन मंडियों में हमने देखा है कि कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अभी किसान जो है वो अभी बुआई जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस साल सोयाबीन के दामों में लगातार बढ़ोतरी जो देखने को मिली थी उसके चलते किसानों ने काफी स्टॉक किया है, लेकिन अब रबी सीजन खत्म होने के साथ ही बाजारों में सोयाबीन की आवक आती हुई दिखाई दी है और अब तक खरीफ सीजन में हमने देखा कि सोयाबीन की कीमतों में एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दी थी जिससे फार्मर्स भी थोड़े बहुत संतुष्ट थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। लातूर की मंडी में लगातार आवक बढ़ रही है जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पहले सोयाबीन की कीमत 6,650 रुपए के आसपास थी और आवक बढ़ने से अब कीमतें जो है 5,250 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे गिर चुकी है और अभी ऐसे में किसान जो है मजबूर हो चुके हैं क्योंकि कम रेट पर माल को मार्केट के अंदर निकालने के लिए और जिसके चलते जिस तरीके से प्राइसेस में डिक्लाइन आया है उसके चलते जो जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था वो भी अब मार्केट में माल लेकर आ रहे हैं और प्राइसेस के ऊपर और ज्यादा दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सोयाबीन की कीमतों में दबाव बन सकता है क्योंकि ओवरऑल देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन अब जिस तरीके से सोइंग के आंकड़े हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखाई दे उसके इम्पैक्ट आगे चलकर कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा करेक्शन में बना रह सकता है और शॉर्ट टर्म में बाजारों में गिरावट सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकती है। जी जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आगे सोयाबीन में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो रूपा जी अगर बात करें गेहूं की तो पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जा रही है, प्रतिबंध के बाद भी गेहूं आगे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए गेहूं में अभी बहुत ज्यादा कोई दबाव वाली बात नहीं है और गेहूं अभी फिलहाल पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और अभी बहुत ज्यादा कोई कीमतों के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर पाबंद लगाया गया उसके बावजूद भी लाखों टन गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली जो जिनको जरूरत है वहां पर जो है वो गेहूं जो है वो पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में प्राइजेस जो है वो स्टेबल रह सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर फिलहाल जो है कई देशों में जो खबरें निकल कर आ रही है कि लाखों टन गेहूं जो है वो अभी भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि कीमतें स्टेबल रहेंगी, कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर गिरावट आती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और प्राइसेस बल्कि आगे चलकर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि अभी गेहूं की जो है बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो मुझे लगता है कि गेहूं के अंदर अभी तेजी की तरफ रहा जा सकता है। जी जैसा कि रूपा जी ने बताया कि गेहूं में आगे तेजी की ओर बढ़ा जा सकता है, इसकी डिमांड बढ़ सकती है और कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। रूपा जी अगर कपास की बात करें, कपास में नजर डालें तो ये 50,000 के ऊपर जाता दिखा है और इसका रकबा भी बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि उत्पादन कैसा रह सकता है और क्या कुछ कपास में बाजार देखने को मिल सकता है? देखिए कपास की जहां तक बात करें तो कपास में अभी पीछे हमने अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी और अभी भी आप देखिए मार्केट लुढ़क रहे हैं और मैंने पहले भी बताया था आपके ही इस बुलेटिन के माध्यम से कि 40,000 तक कपास लुढ़क सकती है और आप जुलाई वायदा देखिए 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज जुलाई वायदा 40,700 तक आ चुका है और जून वायदा जो है वो 44,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो करेक्शन जो है वो बनी रह सकती है और मार्केट जो है वो नीचे हैं आप फिलहाल कपास के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि आगे चलकर भी कपास के अंदर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इस बार प्राइजेस मिले हैं उसके चलते कपास की खेती के ऊपर भी किसान ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी जो है बारिश की वजह से बुआई में भी फिलहाल तेजी देखने को मिली है, तो तेजी का रुझान जो है वो प्रोडक्शन की अगर देखा जाए सोइंग की तरफ देखा जाए तो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस के अंदर दबाव बना रह सकता है। रूपा जी अगर खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों में गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले हफ्ते भी गिरावट देखने को मिली है और इस हफ्ते भी कमी ही है, तो आपको क्या लगता है खाद्य तेलों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए खाद्य तेलों का बाजार जो है वो भी अभी फिलहाल जो है वो दबाव में रह सकता है और मुझे लगता है कि प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बना रह सकता है और खाद्य तेलों में भी थोड़ा सा बिकवाली की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। जी और रूपा जी लहसुन प्याज का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए नेचुरल गैस की अगर आप बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्राइसेस जो है वो नीचे। लहसुन प्याज का बाजार कैसा रह सकता है अगर हम बात करें लहसुन की प्याज की, तो क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है?
लहसुन और प्याज। ठीक है, लहसुन और प्याज की बात करें तो इनमें भी अभी फिलहाल जो है प्याज में थोड़ा सा उठाव प्राइसेस के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन को बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही, ना ही लहसुन के अंदर बाजारों के अंदर फिलहाल जो है वो सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। लहसुन की भी कीमतों में इस बार कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा अपसाइड में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात करें चीनी की तो आपके अकॉर्डिंग चीनी का बाजार कैसा रह सकता है रूपा जी? देखिए चीनी में थोड़ा बहुत उठाव जो है वो एक्सपेक्टेड है और पीछे हमने आते हुए भी देखा था चीनी के अंदर एक तेजी बनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो एक सीमित दायरे में दिखाई देते हैं और अभी मुझे लगता है कि बाजार जो है वो स्टेबल रह सकता है, बहुत ज्यादा फिलहाल कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जी। और अगर दालों पे नजर डालें तो दालों का बाजार कैसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसमें तेजी मंदी रहेगी? देखिए जहां तक दालों की बात है तो दालों के अंदर भी बाजार जो है वो नेगेटिव है और आगे चलकर जो प्राइसेस है वो डाउनसाइड में ही बने रह सकते हैं जी। रूपा जी आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि इंट्राडे में जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन तो रूपा जी आपके अकॉर्डिंग इंट्राडे में एग्री कॉमोडिटी में क्या कुछ करके चलना चाहिए? तो रूपा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी टेक्निकल इशू की वजह से अभी रुकते हैं। तो बता दें कि जैसा कि ओवरऑल रूपा जी ने बताया कि बाजार कैसा रह सकता है नॉन एग्री एग्री कॉमोडिटी का, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि खाद्य तेल में भी उन्होंने आप जी, तो रूपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी आपसे मेरा आखिरी सवाल एग्री कॉमोडिटी में ये रहेगा कि ओवरऑल इंट्राडे में क्या कुछ करके चलना चाहिए? तो खाद्य तेल में जैसे दिवाली किया जा सकता है जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात नॉन एग्री एग्री कॉमोडिटी की कि क्या कुछ तेजी मंदी देखने को मिल सकती है, बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। तो रूपा जी ने हमारे साथ जानकारी साझा की और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।